हमने काफी आंदोलन भी किए हैं। अभी हमें ये लग रहा था कि ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए तैयार है, और हमारा शुरू से ही यह कहना रहा है कि जो भी वाहन जब महू से जो ट्रेन आती है वो काफ़ी रफ्तार से आती है, करीब आधे घंटे तो खड़े रहना पड़ता ही है। अगर आप महू से आने वाली ट्रेन आती है और गेट बंद होता है तो कम से कम 20-25 मिनट वो बंद रहता है गेट। तो हमारी हम ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि ये जो बैरिकेड्स लगाए हैं ये कम से कम विशेष वाहनों के लिए हटा दें, जिस भी संबंधित विभाग ने लगाए हैं इसे, कि विशेष वाहनों के लिए ये हटा दिए जाए। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, और वैसे तो टू व्हीलर्स के लिए भी हटाया जा सकता है, मगर अभी उन्होंने अभी मौखिक तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। अब हम एक लिखित में भी आवेदन दे देंगे वो SDM और कलेक्टर साहब के पास। आज आपका निरीक्षण था या कोई रैली वगैरह इस तरह का कोई आयोजन था? नहीं, रैली तो नहीं थी, हम लोग बस जो बैरिकेड्स लगे हैं वो हट जाए, जो भी मतलब संबंधित ने लगाए हैं बैरिकेड वो यहाँ से हटा दिए जाए विशेष वाहनों के लिए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आदि वाहनों के लिए। इसके चुनाव के दौरे पहले एकदम नहीं, मैं समा चाहूंगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी कि इसके लिए कुछ हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। सर, इस प्रकार की परमिशन आप ऑफिस में जाके भी ले सकते थे उनसे, इकट्ठा करके जाके? नहीं, हमें पता नहीं है कि किसके द्वारा लगाए गए हैं यहाँ पर, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आ जाएंगे तो संबंधित विभाग के अधिकारी से चर्चा हो जाएगी। रेलवे ब्रिज के लिए आंदोलन क्यों, आपको ये नहीं पता है किसने? नहीं नहीं, यहाँ पे रोक टोक किसने लगाई है, प्रशासन ने द्वारा लगाई है या रेलवे द्वारा लगाई गई है, ये तो यहाँ पे आके फिर पता चली गया, इसलिए हमने सोचा यही बात। चुनाव के दो रोज पहले इस तरह का आंदोलन का राजनीतिक फायदा या पुल अभी कम्प्लीट हुआ ना, अभी भी काम चली रही है? उस दिन भी कैलाश जी ने नामांकन दाखिल किया था, उस दिन भी पुल पे से आए थे? नहीं, उस वक्त भी स्लैब डलने की थी, अब स्लैब डल चुकी है, अब पुल कंप्लीट है, बस इनको एक लोड टेस्ट होता है वो करना है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि वो तो अब पुल पूरा आपने कॉन्क्रीट से बना दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि लोड टेस्ट में कुछ, आप विशेष वाहनों के लिए, टू व्हीलर्स के लिए उसे छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। इस सोच के साथ हम लोग उनसे यहाँ पर मिलने आए थे। जी, पुलिस ने आपको रहने दिया और कार्यकर्ताओं को हटाया, तो इसका क्या समझा जाए, मतलब कि? नहीं, वो चाहते थे कि पुल पे भीड़ ना हो, जो धारा है उसका उल्लंघन ना हो, इस वजह से। अच्छा, अभी जो हमला हुआ था भाजपा के ऊपर, इसमें कांग्रेस का कहना है कि सीधे सीधे साजिश है।